लव कटारिया और विशाल ने एक कंडीशन रख दी है मुनीषा के सामने, क्योंकि अब मुनीषा चाहती है कि साई केतन और इन दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ लग रही है, जो बातें हो रही हैं, ये लोग एक दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी को दूर किया जाए, क्योंकि एक ही घर में रहना है, तो ये एक बात को लेके खींच के कितने दिन तक चलेंगे। तो यही बातों को लेके जो है मुनीषा काफ़ी देर वॉक करती हुई गार्डन एरिया में भी साई केतन के साथ नजर आई थी, जहाँ पर उसने साई केतन को यही टॉपिक के बारे में बताया कि भाई तुम कब तक ये नेगेटिविटी को लेके खींचोगे। तो वहाँ पर साई केतन ने बोला कि चलो ठीक है, अगर मैं बात कर भी लूँ तो वो जो है सामने से कुछ बचकान चीज़ें या कुछ ना कुछ बातें करेगा, भड़क जाएगा या कुछ भी वो सही से ले नहीं पाएगा, तो फिर वो सॉर्ट आउट नहीं होगा, इसीलिए जो है मैं ये चीज़ें सॉर्ट नहीं करता। इन्हीं सब चीज़ों को लेके जाके जो है मुनीषा ने लव और विशाल को बोला कि भाई तुम लोग जो है वो आखिरकार साई केतन के साथ इतना ज़्यादा लगे क्यों रहते हो, एक ही घर में तो तुम लोगों को रहना है, और नेगेटिविटी को तुम लोग सब चीज़ें सॉर्ट कर लो ना। तो जहाँ पर लव का कहना यह है कि जब सॉर्ट करना होगा तब सॉर्ट कर लेंगे, पर अभी तो कुछ भी ऐसा सॉर्ट करने का नहीं है, और वैसे भी हम लोगों ने कोई शुरू नहीं किया है। और विशाल ने बोला कि शुरू जो है उसी ने किया था, मुझे साइड किक की इसका साइड किक है, फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी सारी बातें, और कल भी जब लड़ाई हुई है तब खाने को लेकर जो है इसने सबसे पहले इसी ने सब चीज़ें शुरू की है, तो ये बहुत सारी चीज़ें करता है। हाँ, पर अगर हमने शुरू नहीं किया, अगर वो आता है, अगर हमारे पास आता है बात करने के लिए, तो हम बात करेंगे, तब हम सॉर्ट कर लेंगे, पर ऐसे हम जाके सॉर्ट करें तो वैसा सब चीज़ें नहीं होता है। तो यही चीज़ जो है इन्होंने मुनीषा के सामने कंडीशन रख दी है। अभी देखना ये होगा कि मुनीषा जो है इस लड़ाई को सॉर्ट कर पाएगी या नहीं, पर कहीं ना कहीं एक बात है कि साई केतन जो है इस लड़ाई को सॉर्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद बाहर वाला बन चुके हैं, और बाहर वाला होने के साथ साथ लव कटारिया के बारे में जो नेगेटिव बातें बाहर होती हैं, जो वेबसाइट्स कुछ लिखती हैं, जो लोग ट्वीट करते हैं या कमेंट्स करते हैं, वहाँ पर वहाँ के कमेंट्स जो है, वहाँ की वेबसाइट्स जो हैं, वो चीज़ें जो है, टाइटल्स वगैरह जो है, वो खुद बिग बॉस भेज रहे हैं कि इस बंदे को और भी ज़्यादा अंदर से पता चले कि ये सही कर रहा है, लव कटारिया गलत है, वो उसको बहुत ज़्यादा चढ़ा रहे हैं। तो वो आखिरकार जाके उससे माफ़ी क्यों मांगेगा, वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा, और इस चीज़ को जो है जैसे खींचना है वैसे वो खींचता रहेगा, अगर उसके पास दिमाग है। क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।